दिखाने वाला हूँ कि $5,00,000 में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा और मेरा वादा है आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जीरो ग्रेविटी की नकल उतारने में $2,50,000 क्यों लगते हैं, समुद्र की गहराइयों में घूमने के लिए $50,000 क्यों लगते हैं, हमारी तरफ आ रहा है, और हर वो एक्सपीरियंस जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा हूँ, ओह माय गॉड, जिसकी हम शुरुआत करेंगे सबसे सस्ते एक्सपीरियंस के मजे लेकर, ऊंट की सवारी। मैं $1 में कितनी देर ऊंट की सवारी कर सकता हूँ? $1 2 मिनट। मंजूर, ये एक्सपीरियंस $1 के लिए सही है। कसके पकड़ो। क्या कसके पकड़ो? क्यों? Oh my gosh. मैं ऊँटों की सवारी इजिप्ट में करना चाहता था, लेकिन वहाँ $1 से ज्यादा लग जाती, इसलिए मैं बाद में यहाँ पिरामिड्स डलवा दूंगा। यो, हाँ, ये खूबसूरत है। इस ऊँट पर बैठना अपने आप में ही एक कसरत। मैं भी जमीन से कितना ज्यादा ऊपर हूँ। आप समझे मुझे और चैनल को कैसा लगता है? ओके। खैर, $1 में सिर्फ 2 ही मिनट मिले जो कि पूरे हो गए। अब चलो चलकर आसमान में खाना खाए। $10,000 में आप एक शेफ के साथ 30,000 फीट ऊपर आसमान में जा सकते हैं, जो इस गर्म हवा के गुब्बारे को अपनी रसोई की तरह इस्तेमाल करती है। आप मैदान पर हमारे इस गुब्बारे की परछाई देख सकते हैं। सच कहूं तो मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ऊपर है। लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये कोई आम खाना नहीं है। ये मिशेलिन स्टार शेफ अपने द्वारा तैयार किए गए खाने को पकाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे की आग का ही इस्तेमाल करती है। मिस्टर बीस्ट, यो, क्या अब हम ये खाना खाने वाले हैं? अब हम वो मछली खाने जा रहे हैं जिसे गर्म हवा के गुब्बारे की आग से पकाया था। ओह थैंक यू। ओह माय गॉड, जिमी ये लजीज है। देखो नीचे का नजारा कितना सुंदर है। खाते खाते ऐसा नजारा हो तो क्या बात। ये मछली सपने में भी इतनी ऊंचाई पर नहीं आई होगी। अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास $10,000 है तो उसे यहाँ जरूर लाना। इन 10 गौरमे डिशेस में से हर एक डिश कमाल की थी, पर अब भी एक सवाल है जो पूछना बाकी रह गया। एक मिशेलिन स्टार शेफ होने के नाते आपको फीस्टिबल्स बार कैसा लगता है? बैलेंस बहुत अच्छा है और चॉकलेट में जो क्रंच है वो तो कमाल है। फीस्टिबल्स अब है मिशेलिन स्टार की पसंद। 10,000 वाला एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत मजा आ गया। आगे है 50,000 वाला एक्सपीरियंस, और चैंडलर और कार्ल को अंदाजा भी नहीं है कि मेरे पास उनके लिए क्या है। तुम्हें ये यॉट कैसा लगा? ये काफी सुंदर है और आलीशान भी। हाँ, तुम्हें लगता है इसकी कीमत $50,000 होनी चाहिए? नहीं। ओके। तो उस तरफ देखो, हम एक सबमरीन एक्सपेडिशन पर जा रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या तुम दोनों समुद्र में घूमना चाहते हो? या। चलो मैं तैयार हूँ। ओह माय, क्या हम ये नहीं कर रहे हैं? चलो तैर कर जाए। ओके, आ जाओ। चलो समुद्र तल को एक्सप्लोर करें। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये तो कमाल का है। वाओ, मैं तो अभी से मछलियाँ देख पा रहा हूँ। हम तो अभी तक नीचे भी नहीं गए। देखो वो एक बैरकूडा है। तुम दोनों समुद्र के तल को छूना चाहते हो तो जाओ, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरी सबमरीन हमारी है और हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। चलो सब कुछ करते हैं सिवाय क्रैशिंग के, हमें उसकी परमिशन नहीं है। ओके। और यहाँ नीचे अच्छे एंगल्स मिलने के लिए हमने कुछ स्कूबा डाइवर्स को पैसे देकर इस सबमरीन का पीछा करने को कहा। ये कूल है ना? चलो उनसे बात करें। पीछे शार्क है, सब लोग डर जाना, ठीक है? सब जोर से चिल्लाओ। बुद्धू बनाया। हम यहाँ पानी के नीचे हैं और वहाँ तारिक और नोलन भी अफ्रीका में $50,000 की सफारी पर हैं, और हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ ज्यादा कूल जानवर दिखाई देते हैं या उन्हें वहाँ। वैसे हम ही जीतेंगे। कितना सुंदर है। ठीक है, चलो जंगल के राजा को ढूंढते हैं। हम तब तक अफ्रीका से नहीं जाएंगे जब तक शेर ना दिख जाए, समझे तुम? हाँ समझ गया, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो देखो देखो। ओह वॉटहॉग, ये तो पप्पा है। तुमने उसे डरा दिया। बहुत डर गया है। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। ज़ेब्रास, लगता है ज़ेब्रास का स्वाद अच्छा होता होगा। मैं शेर होता तो ज़ेब्रास को ही चुनता। वो कितने मोटे होते हैं। क्या $50,000 में ये फुल पैसा वसूल? जिमी की $50,000 में फुल पैसा वसूल है। रुको कार्ल, क्या होगा अगर वो जहाज के बजाय एक सबमरीन हो? तो फिर हम